समोदिया गांव में खाना बनाते समय फटा सिलेंडर, घर बनाग का गोला, बमुश्किल पाया गया आग पर काबू। तहसील स्वार क्षेत्र के अंतर्गत समोदिया में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई। देखते ही देखते सिलेंडर में धमाका हो गया, जिसमें घर के दो लोग झुलसे हुए पाए गए। पड़ोसियों ने धमाके की आवाज सुनी और घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। किसी तरह पड़ोसियों ने अन्य परिजनों को भी घर से बाहर निकाला। इतने में सारा घर आग के गोले में तब्दील हो चुका था और लाखों रुपए का घर में रखा सामान भी जलकर राख हो चुका था। लोगों के द्वारा स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी गई है। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पहुंची और ग्रामीणों के साथ आग बुझाने के प्रयास करने लगे। समय बीतता गया और 1.5 घंटे बीत जाने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची। फिर दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। घटनास्थल के स्थल पर सवार SDM अवनीश कुमार अवस्थी ने आग में झुलसे फिरासत व उस्मान दोनों सगे भाइयों को उचित उपचार के लिए सवार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा है, जहां पर दोनों भाइयों का इलाज जारी है। सवार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने हालत गंभीर रामपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया है। कैसा हुआ हादसा? रसोई में गैस जल रही थी ना, वो गैस लीक हो गई। अच्छा जी। सिलेंडर के गड़बड़ होने से पैप फट गया उसका। अच्छा जी। फिर आग लग गई, हमने बुझाने की कोशिश की काफ़ी, लेकिन नहीं हो पाई। अच्छा, काबू नहीं हो पाई। फायर ब्रिगेड को आने में आधा घंटे पौन घंटा लग गया। अच्छा, एक आध घंटे के करीब आई। तो आपका क्या नाम है? मेरा उस्मान है बस। और जो दूसरे वाले जिनके चोट लगी है उनका? फिरासत अली है। फिरासत अली, दोनों भाई। अच्छा, तो क्या कर रहे थे सुबह सुबह उस समय? खाना बन रहा था, चाय बन रही थी, बच्चे कॉलेज के लिए जा रहे थे।